करना हमको फोन ही है। अपना एक कुरियर लेने के लिए मुझे इतना दूर आना पड़ा, मतलब सरप्राइज। तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं कल कहीं जाने वाली हूँ, तो अभी मैं रास्ते लग गई हूँ और अभी सुबह के 8 बज रहे और मैं ये देखो ये जर्सी वर्सी पहन के एकदम आ गई हूँ क्योंकि ठंडा मौसम हो ही गया है ना। तो चलिए फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हेलो नमस्ते प्रणाम और पहला आप सभी को मेरा, तो होप आप सबके साथ एकदम बढ़िया होंगे और अपन लोग भी एकदम मस्त हैं। तो यहाँ से पहले मुझे जाना है रामनगर, जाऊँगी यहाँ से। टाइम से ऑटो मिल गया तो टाइम से पहुँच जाऊँगी, नहीं मिला तो देखते अभी है ना। चलो फिर मिलते हैं रामनगर में सीधा। अभी तो हाल फिलहाल मैं बस में बैठ चुकी हूँ, 8:50 पे बस चलने वाली है। तब तक आप लोग गेस्ट कर लो कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ आज, ठीक है? और मैं सीधा आपको वहीं मिलूँगी। तो भाई ऐसा है कि मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच चुकी हूँ, गेस्ट किया या नहीं किया ये बताना। छोड़ो क्या गैस करना है ना अब तो। और ये है यहाँ का बस स्टॉप, पता कर लो, अभी भी पता कर लो कौन सी जगह है। छोटा सा ही यार का बस स्टैंड, या अंदर होगा पता नहीं, बट मैं तो यहीं पे ही वेट कर रही हूँ किसी का। तो आज भी ना मुझे वेट ही करना पड़ रहा है यहाँ पे, 10-15 मिनट हो गए मुझे यहाँ पे वेट करते करते, बट कोई नहीं आया अभी तक। इतना ट्रैफिक है यहाँ ना, प्राचीन शिव मंदिर। ये मंदिर देख के सब समझ गए होंगे मैं कहाँ हूँ, कालू साई का मंदिर ये। हल्द्वानी में हूँ अब तो, मैंने बता ही दिया, मैंने सुबह से नहीं बताया था कि मैं कहाँ जा रही हूँ आज। तो मैं अभी हल्द्वानी में, अभी हम लोग यहाँ रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए रुके हुए। मैं तो घर से खा के आई थी, ये खा के नहीं आए थे, पर इनके साथ कंपनी देने के लिए मैं भी खा रही हूँ। और मैं हल्द्वानी पता क्यों आई हूँ, पता नहीं कुछ तो है, बड़ी सरप्राइज। व्यूज नहीं जा रहे मैडम के, कुछ भी बाद में बताऊंगी क्या क्या आई हूँ मैं यहाँ पे, है ना। अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। बाय बाय बाय। तो ऐसा अभी तो हम लोगों का नाश्ता वास्ता हो चुका है और यह अभी हम लोग, मतलब जो मेरा सामान आया था वो देख चेक कर रहे थे, और अभी हम लोग जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट में हल्द्वानी वाले। तो चलो फिर चलते हैं। यार जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं ना, मतलब मालों के सामान के लिए, वो हमको यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, कुछ नहीं है यहाँ पे। बस उसका एक ही पीस पड़ा था, वो भी नहीं मिला, वो भी अच्छा कलर नहीं है तो हमने लिया नहीं वो। तो अभी हम लोग थक चुके हैं और अभी हम लोग यहाँ पे फिर से खाने के लिए रुके क्योंकि सुबह खाया था हमने नाश्ता। अब हम यहाँ पे पीने के लिए रुके कि कुछ ठंडा हो जाए, क्योंकि विशाल मेगा मार्ट में हम इतना घूमे हमें कुछ मिला ही नहीं। मेरा सरप्राइज कहाँ से आया है? इनका सरप्राइज आया है सीधे दुबई से। किसने भेजा? सात समंदर पार। किसने भेजा? वो आपके सब्सक्राइबर, बहुत ही स्पेशल है। और इसके बाद ये मैडम जाने वाली है सीधे पहाड़, और पहाड़ों से फिर आएंगे आपके लिए शानदार नए ब्लॉग्स। कैसे पता तुमको? वो तो पता है ना, और फिर जाएंगे व्यूज धर धर धर। अभी तो व्यूज जा ही नहीं रहे, धर 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 ही हो गया था मेरा फोन अभी। व्यूज भी जा रहे हैं और फिर व्यूज जाएंगे तो बहुत अच्छे से जाएंगे, बढ़िया, सबको पसंद भी आएंगे जब तुम ट्रैवल करोगी। तो अभी तो ट्रैवल नहीं करती हो ना, अभी तो रामनगर मार्केट ये तो सब लोगों ने देखा होगा, तो पहाड़ों के व्यूज, माउंटेन्स, रिवर्स,
मजा आएगा मजा आने वाले व्लॉग्स में, तो बने रहिए पूनम बिस्ट के साथ। और मैं आपको सरप्राइज दिखाऊंगी सीधा घर जाके, क्योंकि अपना बैग नहीं खोल सकती, वो ठस भरा हुआ है, पैक हो रखा है एकदम, क्योंकि उसमें और भी सामान है। तो हाल फिलहाल घर में जाके दिखाएंगे आपको, है ना। गर्मी हो रही है यहाँ, हाल तो मैं ये स्वेट शर्ट डाल के रखी है। मैंगो शेक, आज मैंने पहली बार मैंगो शेक ऑर्डर किया है कोल्ड ड्रिंक छोड़ के। कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए चाहिए भाई, कोल्ड ड्रिंक खराब होती है, पर गले को वो अच्छा करती है ना, ठंडक देती है। चलो तब तक वो बताएंगे, तब तक तुम ले भी दोगे फोन। तो अभी ये पापा जी के लिए फोन देख रहे हैं, अपने पिताजी के लिए फोन देखा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि पिताजी का फोन खराब हो गया। हेलो हेलो, कौन सा? Realme 8i। तो अभी फाइनल डिसीजन यहाँ पे Realme 8i का है कि पापा जी को YouTube ही है, WhatsApp ही है, बस करना हमको फोन ही है। और इसके बाद मैं सीधा निकलूंगी घर, बोले तो ये मुझे छोड़ेंगे रामनगर वाली बस में। और आज का दिन ऐसी बिजी निकल गया, और हम जब देखो शॉपिंग में पता नहीं क्यों अटक जाते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। तो आगे मैं अपनी पुरानी वाली जगह पे जहाँ मैं सुबह इनका वेट कर रही थी, और अभी एक बस हमने छोड़ दी है, बस ये वाली बस लगी है, अब इसमें बैठती हूँ, खाली है, सीट मिल जाएगी आराम से। पहली वाली में सीट ही नहीं थी, मैं बैठी नहीं फिर उसमें। कैसा लग रहा? मैं यही क्वेश्चन क्यों पूछती हूँ। तो अभी मैडम तो जा रही घर, हम चले अपने घर, और अपने घर से फिर टूर्स। तो बाय बाय। आज से इनके टूर स्टार्ट हो जाएंगे और हम भी अपने घर को निकल लेंगे। देखते हैं, कल तो पापा का चेकअप कराने जाना है, उसके बाद देखते हैं कब घर जाते हैं हम लोग। और अभी और ये जल्दी सरप्राइज दिखाएगी, क्या था सरप्राइज बॉक्स के अंदर, जो आया था सऊदी से सीधा उत्तराखंड। और फिर अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे ना, शायद नहीं, अच्छे अच्छे आने चाहिए भाई, लोग वेट कर रहे हैं। हाँ, अच्छे अच्छे आएंगे, और जिन्होंने मुझे गिफ्ट दिया ना उनको भी थैंक यू। इन्होंने मेरे को बताने से मना किया है कि नहीं बताना है गिफ्ट किसने दिया है। अपना एक कुरियर लेने के लिए मुझे इतना दूर आना पड़ा, मतलब एक घंटा रामनगर से हल्द्वानी से मुझे फिर वापस जाना है। और जो माता जी के लिए सामान लेना था वो सामान हमको मिला, समझ जाओ कितना स्पेशल कुरियर होगा वो। हाँ, तो देखते रहो आगे व्लॉग, वैसे समझ गए होंगे कौन सा कुरियर होगा। कुरियर में उजाले में दिखाऊंगी, ठीक है। अभी तो घर पहुँचा, मेरे को रामनगर में भी रुकना है, वहाँ पे ही मेरा काम है, उसके बाद जाके जाऊंगी मैं घर, पता नहीं कितना टाइम लगता है। चलो, तो अभी हाल फिलहाल मैं रामनगर पहुँच चुकी हूँ, और 5:30 हो चुकी है, पर यहाँ पर मुझे फटाफट अपना काम निपटाना है, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है। मिलते हैं फिर इसके बाद। तो भाई फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अभी, मतलब अपनी गली के ही पास हूँ। और जिस काम के लिए मैं रामनगर में रुकी थी ना, मुझे सूट एक्सचेंज कराना था, बट उन्होंने सूट एक्सचेंज करने से मना कर दिया, तो मैं सीधा वापस आ गई। इन दोनों को देखो पूजा करने बैठे हुए यार, और पूजा करने के साथ मस्ती कर रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं। देखो अबे ए, बत्ती जला रहे हो क्या, मजाक कर रहे हो? नमस्ते, तो हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज मैं सीधा अगले दिन शूट करी, वो भी दिन में खाना खाने के बाद, क्योंकि सुबह हम लोग बिजी हो गए थे, क्योंकि मैं पापा जी के साथ हॉस्पिटल गई थी। और अभी मैं आपको सरप्राइज दिखाने की बात कर रही हूँ। हाँ, मुझे पता है कल से आप लोग वेट ही कर रहे होंगे, मतलब कल से नहीं, जब से आप लोग वीडियो देख रहे होंगे कि अब आएगा, बट वो आज आ रहा है, मतलब क्योंकि मैं अगले दिन शूट कर रही हूँ। तो जो मेरा सरप्राइज है ना, वो बहुत ही तगड़ा वाला सरप्राइज है, बताए, मतलब आप लोगों के लिए तो पता नहीं, हाँ आप लोगों के लिए भी तगड़ा वाला ही होगा, क्योंकि अगर मैं शूट करूंगी तो आप लोगों को देखने में मजा आएगा ना, मैं जो कैप्चर करूंगी वो आप लोगों को देखने में मजा आएगा। तो अभी मैं आपको अपने दोनों सरप्राइज दिखाती हूँ, कि मेरे पास दो नई चीजें आई हैं जो कि मुझे भेजी गई हैं। तो एक जो चीज है वो तो दुबई से आई है, और
जिन्होंने मुझे दिया उनको तो मैं धन्यवाद धन्यवाद बोल चुकी हूँ। उन्होंने मुझे बताने से ही मना किया है कि नहीं बताना है, तो उनके बारे में तो छोड़ो, है ना। दूसरी चीज जो जिन्होंने दिए उनके बारे में बता दूंगी मैं। तो और जिन सोर्सेस से ये चीज मेरे पास आई थी जो दुबई वाली थी, तो संदीप और मोहित उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि वो लोग दिल्ली गए थे इसको लेने के लिए। वैसे ये वाला सरप्राइज ना मुझे जिस दिन रोहित पापा जी को देखने आए थे हॉस्पिटल में तो उस दिन मिल जाता, बट वो दिल्ली में लेट हो गए थे वो लोग और ये सरप्राइज थोड़ा लेट हो गया था, तो इसलिए थोड़ा अब मेरे पास भी लेट आ रहा है और इसके लिए मुझे तब वहाँ हल्द्वानी जाना पड़ा था क्योंकि उनके टूर स्टार्ट होने वाले थे तो वो भी नहीं आ पा रहे थे, उनको भी अपनी तैयारी करनी थी और फिर मेरे को जाना पड़ा और जाना ही था। एक चीज मेरे पे एक और नई चीज है, तो मैंने अभी ये नए वाले ट्राइपॉड में फोन अटकाया अपना, ये जो ये आ गया था ये कल एक्सचेंज हो गया था, कल मैं हल्द्वानी गई थी तो मामी जी के पास यहाँ आ गया था और वो वाला वापस चला गया है, तो ये मैंने उसी में फोन अटका रखा अपना। तो मैं आपको अपना सरप्राइज दिखाती हूँ, ठीक है। तो पहला जो सरप्राइज है वो मेरी वीडियो से रिलेटेड है, बोले तो अब मैं फोन से ब्लॉग नहीं शूट करूंगी, शायद कभी कभी तो करूंगी पर तो मेरे पास है GoPro Hero 9 ढेंटे। यार मुझे ना ऐसी चीजों से डर लगती है पता है, क्योंकि मैंने आज तक अपने भाई का GoPro भी नहीं छेड़ा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ से चीजें खराब हो जाती है, तो मैंने उसका GoPro भी नहीं छेड़ा है। हाँ कौन है? नहीं नहीं ई ना ऊ, अभी अंदर आना अलाउड नहीं है। वंशिका पटवाल तुम पिट जाओगे, अभी तक फोन देख रही थी ना, फोन देख बैटरी लो हो गई तो तेरे को दीदी की याद आ गई है? किस बोतल को? खल्ला 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 बेटे किसी लगा रही है? ले ट्यूशन जा रही है जाना भाई, क्यों ऐसे कर रहा है मेरे साथ? तो ये है मेरे पास GoPro Hero 9 ब्लैक, तो अब मैं इससे व्लॉग शूट करूंगी। हाल फिलहाल तो ये मुझे इसकी सेटिंग वगैरह छेड़नी है, मतलब मुझे देखना है क्योंकि मैंने आज तक चलाया नहीं तो मुझे पता भी नहीं है कैसे चलता है ये, तो इसका सीन तो हम बाद में करेंगे क्योंकि मुझे सिर्फ आपको सरप्राइज दिखाना है कि हाँ अब मेरे पास नए गैजेट्स आ चुके हैं, ठीक है। ये गिफ्ट जिन्होंने दिया है उन्होंने नाम बताने से मना किया है, बाद में बताऊंगी इनका नाम, ठीक है, पर बताऊंगी जरूर मैं, ऐसे तो हो नहीं सकता। अभी थोड़ा वो रख रही हूँ मैं, उनकी बात रख रही हूँ कि चलो नहीं बताते, बताना तो है ही मैंने। तो एक है ये, दूसरा आप समझ जाओगे, अगर GoPro चाहिए तो उसके साथ तो लैपटॉप चाहिए ही चाहिए, है ना। तो मेरे पास है ये HP का लैपटॉप, ये तो रोहित का है, वो क्योंकि उनका यूज नहीं हो रहा था बोले तो उन्होंने पिछले साल ही लैपटॉप लिया था HP का, और पिछले साल हमने साथ में लिया था ये लैपटॉप जब हम दिल्ली रहते थे, ये लॉकडाउन से पहले की कहानी है। तो ये हाल फिलहाल तो वो इसको यूज नहीं कर रहे थे, उन्होंने बोला कि मुझे इतना यूज नहीं हो रहा है ये, तो तुम यूज कर लेना, तो अपन इसको यूज करेगा GoPro में एडिटिंग के लिए। तो होप आपको मेरी तरफ से अब अच्छे शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे, अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे, है ना, जैसा उन्होंने बोला था और जैसा मैं बोल रही हूँ। तो बस ये दोनों चीजें थी और इनके बारे में तभी मैं खुद सीखूंगी, तब जाके कुछ होगा, है ना। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज ये जरूर बताना, ठीक है, और मेरे सरप्राइज में कितना खुश हो ये भी बताना, ठीक है। तो हाल फिलहाल ये दोनों चीजें हैं मेरे पास, तो अब इनको यूज करेंगे। अब मैं आपको ये सेल्फी स्टिक भी अच्छी है, आप देख रहे होंगे अभी इसमें, तो अभी मैंने फोन उसी में अटका रखा है। तो हाल फिलहाल मेरे पास 1-2-3 नई चीजें हो चुकी है और इनसे हम मस्त मस्त से ब्लॉग बनाएंगे, मस्त मस्त से सीन रिकॉर्ड करेंगे। और अभी तक फोन में ऐसा होता ना कि कभी कभी हम रिकॉर्डिंग करते होते हैं कभी फोन बच जाता है, कभी कुछ करना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, तो फोन कभी कभी हम अच्छे अच्छे सीन रिकॉर्ड नहीं कर पाते इस वजह से। तो हाल फिलहाल ये रहेगा तो फोन भी यूज हो जाएगा और ये भी यूज हो जाएगा, है ना। तो
तो दो दो चीज होनी जरूरी है। बस इतना सा था मेरा सरप्राइज जिसके लिए मैं कल इतना दूर गई थी। तो होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। GoPro से पहला शूट मैं दिखाऊंगी, ठीक है, जब मैं इससे पहला शूट करूंगी, देखते पहला शूट किसका और क्या होता है। चलिए फिर बाय। अब हम इसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं, है ना। तो जिस ट्राइपॉड की बात मैं करी थी, जिसमें मैंने फोन अटका रखा था, अभी तो मैंने हाथ में पकड़ लिया है, वो ये है, ये है ये, और ये अभी इसमें तीन एल्युमिनियम पोल होंगे, देखो एक, मतलब ये लंबा हो जाता है। और ये है इसके यहाँ पे फोन अटकाने के लिए, इसमें GoPro भी अटका सकते हैं। और अब नया ट्राइपॉड यूज़ करेंगे हम।